हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें लेसन नंबर 2 फ्रूट्स मतलब कि फल, बराबर। तो उसके अंदर हम फ्रूट्स नेम यानी कि फलों के नाम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले है ये एप्पल, इसको हमें पढ़ना है एप्पल, बराबर। ये सेब का चित्र है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एप्पल, बराबर। जिसका स्पेलिंग है APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल यानी सेब, बराबर। आप सभी बच्चों को हर रोज सेब खाने चाहिए, पर सेब के अंदर हर तत्व मौजूद होते हैं। सेब खाने से हमें एनर्जी मिलती है, दूसरा कि जो है हमारे अंदर शरीर के अंदर खून का बढ़ावा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑरेंज, ORANGE, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरा, बराबर। ये जो संतरा है ये विटामिन सी से भरपूर होता है, ठीक है। तो संतरा खाने से भी हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो मतलब आम। आम जो है क्या है, किंग ऑफ फ्रूट, बराबर, यानी कि फलों का राजा है, बराबर। तो स्पेलिंग है इसका MANGO, मैंगो। मैंगो मतलब आम। आम के तो दो कलर होते हैं, बराबर। एक तो ग्रीन कब होता है कि जब वो कच्चा होता है तब उसका स्वाद आपको खट्टा लगता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका कलर जो है पीला हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, या हल्का हल्का लाल भी हो जाता है। आप चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। तब वो पक जाता है, ठीक है, और तब उसका स्वाद हो जाता है मीठा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो मतलब आम। फिर देखिए बनाना, BANANA, बनाना। बनाना यानी केला, बराबर। BANANA, बनाना मतलब केला, बराबर। केला जो है ये भी हमें शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि केला जो है हमें दिन को खाना चाहिए, रात को नहीं। फिर है ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मतलब अंगूर, बराबर। अंगूर अब दो कलर के आपको देखने को मिलते हैं, कोई ग्रीन कलर भी है और ब्लैक कलर में भी ग्रेप्स आते हैं। GRAPES, ग्रेप्स मतलब अंगूर, बराबर। फिर है चीकू, CHICKOO, CHICKOO, चीकू। चीकू मतलब चीकू, बराबर। चीकू का जूस पीने में भी बहुत ही मजा आता है सभी। फिर देखिए पपाया, PAPAYA, पपाया। पपाया यानी पपीता। आगे है कोकोनट, COCONUT, COCONUT, कोकोनट यानी नारियल। फिर है वाटरमेलन, WATERMELON, WATER, वाटर, MELON, मेलन, वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज। इस तरबूज को आप स्लाइस करके भी खा सकते हो, जूस बनाकर भी खा सकते हो, सॉरी पी सकते हो। फिर है पाइन एप्पल, PINE, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल मतलब अनानास, PINEAPPLE, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल का मतलब होता है अनानास, इसका भी आप जूस पी सकते हैं। चलिए फिर है ग्वावा, GUAVA, GUAVA, ग्वावा यानी अमरूद। अमरूद जो देखिए आपको ये ऐसे गोलाकार में भी मिलते हैं, लंब गोलाकार में भी मिलते हैं, और ये बहुत ही मीठे होते हैं। जब अमरूद खाने में बहुत ही मजा आता है, बराबर। चलिए फिर है POMEGRANATE, POMEGRANATE, पॉमीग्रेनेट मतलब अनार।
पोमेग्रेनेट मतलब अनार, बराबर। और ये अनार खाने से जो है हमारा खून बढ़ता है क्योंकि ये लाल रंग का होता है, बराबर। और इसके अंदर भी बहुत सारे तत्व जो हमारे शरीर के विकास के लिए जरूर होते हैं, वो सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। वैसे तो जो सारे फल हैं वो सभी फल जो है हमारे शरीर के लिए, बुद्धि के लिए जो है, हमारे शरीर के विकास के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, फिर शरीर में खून बढ़ाने के लिए, सारे फल जो है वो शक्तिवर्धक है, बराबर, उपयोगी है। क्योंकि देखिए कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर भी हमें फ्रूट्स खाने के लिए कहते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए। और दूसरा कि फ्रूट खाने के बाद हमें पानी पीना नहीं चाहिए, बराबर। तो क्योंकि जो हमें उसके अंदर से जो तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर 12 स्पेलिंग जो है, 12 फलों के नाम हमने यहाँ पर याद किए, ठीक है। तो आप वो सभी को ये सारे फलों के स्पेलिंग, उसके उसका उच्चारण और उसका अर्थ आपको लिखना है और याद करना है।